हमने आपको पहले बताया था कि पुराने या रिटायर्ड प्लेन्स को बोन यार्ड भेज दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ रखे एयरप्लेन्स का क्या किया जाता है? क्या वो वहीं पड़े रहते हैं? प्लेन्स में लगभग 3.5 लाख कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें निकाल दिया जाता है। इनमें से कई प्लेन्स के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही होते हैं, जिनका इस्तेमाल दूसरे प्लेन्स के पुर्जों के तौर पर होता है। अब बचता है प्लेन का ढांचा यानी बॉडी। क्रेन्स और मशीनों की मदद से इस बॉडी को डिसमेंटल करने का काम शुरू होता है। इसके बाद इन्हें गलाया जाता है ताकि रिसाइकल करके उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। कई बार प्लेन्स की खाली बॉडी में कुछ कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं और वो इन्हें खरीद लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में एक कंपनी ने कई प्लेन्स की खाली बॉडी को लेकर उसे 25 कमरों के होटल में बदल दिया। वहीं मैक्सिको में 200 प्लेन्स की खाली बॉडी को लेकर एक लाइब्रेरी बना दी गई है। इसके अलावा प्लेन्स की बॉडी को मूवी की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी वॉर ऑफ द वर्ल्ड देखी होगी तो इस मूवी में जो प्लेन क्रैश का सीन दिखाया गया है वो बोइंग 747 का रियल ढांचा था और इस ढांचे को बोन यार्ड से $60,000 में खरीदा गया था।